कक्षा 12 की सिलेबस में डे 150 150 क्लास है अपनी, और जिसमें हम काफी सिलेबस का काफी पार्ट कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट चल रहा है इसमें हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं अभी, और रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म के बारे में बात कर रहे थे। प्रिज्म से जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमने पिछली 2-3 क्लासेस में पढ़ लिया, डे 147, डे 148, डे 149, 3 क्लासेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भाग हमने इसमें पढ़ा है प्रिज्म का, उसको जरूर देख ले, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए भी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिज्म में, एक दो छोटी छोटी बातें और उनकी करेंगे हम, उसमें है नेक्स्ट बात प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब हमें पता है क्या होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है, रंग, और विक्षेपण का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, फैलना कह सकते हैं, डिवाइड होना, विभाजित होना कह सकते हैं। तो रंगों का विभाजित होना जो है वही क्या कहलाता है, वही विक्षेपण कहलाता है। अब विभाजित कहां से होंगे रंग, कोई रंग है तभी वो अपने रंगों में विभाजित होता है। तो जो व्हाइट लाइट होती है, श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट वो अपने रंगों में विभाजित हो जाते हैं कलर में। दो नॉर्मली जो कलर लेते हैं हम, 7 कलर लेते हैं, वो लेते हैं विब ग्योर के अनुसार, विब ग्योर के अनुसार, दिगम द वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसके अनुसार ये नॉर्मल कलर होते हैं। तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अवयवी रंग का मतलब क्या है, जो उसके अंदर है उन्हीं में आएगा, कोई अलग से कलर नहीं है निकलेगा वहां, जो कलर उसके अंदर है। इसका मतलब क्या है, देखो इसके अंदर व्हाइट नहीं है इसके अंदर कहीं पर भी, और इसके अंदर ब्लैक भी नहीं है। कहते हैं ना अभी अपनी जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट है मतलब उसमें कलर ही नहीं है उसके अंदर। तो ब्लैक एंड व्हाइट इज नॉट ए कलर, न तो ब्लैक कलर है और न ही व्हाइट कलर है, रंग नहीं है, ये रंगों में नहीं लिया जाता है। व्हाइट के कलर तो यही है, 7 है ये कलर, ये कलर है। ब्लैक क्या है, ब्लैक है एब्सेंस ऑफ लाइट, और व्हाइट क्या है, प्रेजेंस ऑफ एवरी कलर, सभी कलर की उपस्थिति जो है वो व्हाइट हो जाती है। इसका मतलब व्हाइट लाइट जो सफेद लाइट जो है, इसका मतलब उसके अंदर कितने रंग है, 7 रंग है, 7 रंग से मिलकर बने हुए। और ब्लैक का मतलब क्या है, वहां पर कोई रंग नहीं है। ब्लैक की डेफिनेशन क्या है, ब्लैक की डेफिनेशन भी यही है, एब्सेंस ऑफ एवरी कलर इज अ ब्लैक, कोई भी कलर उपस्थित नहीं है तो वो क्या है, वो वस्तु ब्लैक है। जहां पर सारे कलर उपस्थित है वो वस्तु क्या है, व्हाइट है, और बाकी अलग अलग कलर है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, जब सब श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पर गिरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना है, विभाजित होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अभी कैसे होता है इसकी बात हम करें, सबसे पहली बात तो यह वर्ण विक्षेपण। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि कलर जो है वो ये कलर है, ये कलर है व्हाइट एंड ब्लैक कलर नहीं है। अगर कहें श्वेत सफेद क्या है, श्वेत क्या है, व्हाइट क्या है, तो सभी रंगों की उपस्थिति श्वेत होती है, व्हाइट होती है, और सभी रंगों की अनुपस्थिति ब्लैक होती है, ठीक है। अब देखो कैसे, जब प्रिज्म पर आपतित होते हैं तो प्रिज्म पर जैसे श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर
इसके अंदर कितने कलर है, इसके अंदर सारे कलर हैं, सात के सात कलर हैं। अब सभी जो रंग है वो अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं, वो उनकी तरंग धैर्य के आधार पे अलग अलग दिखाई देते हैं, वेवलेंथ। ध्यान रखिए इस बात को, कुछ चीजें है लैम्डा, इसको कहते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब है तरंग धैर्य, हिंदी में तरंग धैर्य कहते हैं इसको। तरंग धैर्य इनकी अलग अलग होती है, इसलिए ये अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं वेवलेंथ के आधार पर। अब लैम्डा जो है तरंग धैर्य है, वो अलग अलग होने के कारण इनका विचलन अलग अलग होते हैं, और विचलन हम पहले बात कर चुके हैं। विचलन क्या होते हैं, किसी भी तरंग का मुड़ना विचलन कहलाता है, प्रकाश का मुड़ना। प्रकाश जब आपतित होता है तो वो अपवर्तन के बाद में पथ परिवर्तित हो जाता है, दोबारा अपवर्तन होता है और परिवर्तित हो जाता है, और फिर आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन का जो मान है, कौन से रंग का विचलन कितना होगा, वो किस बात पे निर्भर करेगा, वो बात क्या है, लैम्डा पे निर्भर करेगा, लैम्डा। और लैम्डा के आधार पे हर रंग का अपवर्तनांक अलग होता है, और विचलन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। ध्यान से समझना, ये बात मिक्स हो जाएगी सारी। अभी बताता हूं कैसे कैसे होता है ये सब चीजें, अभी बात कर लेते हैं पहले तो इनका अलग अलग। यहां से कलर जो है वो अलग अलग मुड़ते हैं, अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। अलग अलग विभाजित होने का मतलब क्या है, इनकी तरंग धैर्य अलग अलग है, इसलिए इनका विचलन अलग अलग होता है, अलग अलग झुकाव होते हैं, अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। तो बच्चे एक और बन गए, अब यहां दोबारा अपवर्तन होगा तो फिर ये इस तरह से बाहर निकलते हैं। विचलन कोण को हम परिभाषित कर चुके हैं, आपतित किरण तो एक ही है जो श्वेत है, ये तो है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, ये निर्गत किरण, और जो सभी रंगों के लिए क्या है, अलग अलग है, सभी रंगों के लिए अलग अलग है। तो ये है V, क्यों है ये भी बताते हैं, और ये है ऊपरी ऊपर R, इसी क्रम में विचलन इनका होता है। तो याद रखने के लिए सीधा याद रख सकते हो V विद्योर, ठीक है। अब अगर इसका विचलन देखें तो इसका विचलन क्या है, ये इसका विचलन है, अगर देखें तो ये है, दिस इज फॉर डेल्टा आर। नेक्स्ट टॉपिक में इसकी फिर बात करने वाले हैं, डेल्टा फॉर डेविएशन विचलन, आर फॉर रेड, लाल रंग का विचलन। तो यू कहे लाल रंग का विचलन कितना, तो ये यहां से दिखाई दे रहे हैं। अब अगर कहे बैंगनी रंग का विचलन कितना है, तो इस ये बैंगनी रंग के लिए लाइन इसको पीछे बढ़ा दो, आएगी आएगी बैंगनी रंग के लिए विचलन देखना है, तो कौन, तो ये तो किरण जाने वाले, यहां से बढ़ा लो, चाहे की बात है, चाहे यहां से बढ़ा लो, कहीं से बढ़ा लो, कौन ये है, यहां तक ये क्या है, डेल्टा वी, डेल्टा वी। विचलन किसके लिए, वायलेट के लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो किसका विचलन ज्यादा हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो अगर ये ध्यान में रहे, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे इस टॉपिक के अंदर सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, आएगा तो स्मॉल क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का, उससे ज्यादा का नहीं आता है इसमें। लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे बड़ी महाभारत रहती है, क्योंकि सब कुछ पता होना चाहिए, पता नहीं क्या पूछ ले, जो पूछ ले वो अपने बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहाँ पूछ ले भाई, सबसे ज्यादा विचलन कौन से रंग का होता है, तो कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम विचलन कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है, लाल रंग का। लाल रंग की जो तरंग दे रहे हैं, तरंगे हैं, वो सबसे कम मुड़ती है। अब क्यों मुड़ती है उसकी भी बात करेंगे। तो एक बात तो ये आ गया, अभी किसका विचलन कम होता है, किसका ज्यादा होता है, उसके लिए सीधा सा तरीका भूल गए, कम ज्यादा क्या होता है, तो डायग्राम बना लो, डायग्राम अपने आप बता देगा तुम्हें कौन किसका छोटा बन रहा है। जिसका छोटा बन रहा है इसका मतलब वो कम उड़ रहा है, जिसका कौन ज्यादा बन रहा है इसका मतलब वो ज्यादा मुड़ रहा है। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि यहां पर पहला पॉइंट तो आ गया ये कि डेल्टा वी इज ग्रेटर देन बाय डेल्टा आर। इसका मतलब क्या हुआ, किसका, लाल रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। दूसरी बात, बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिकतम होता है। अब ये क्यों होता है अधिकतम और न्यूनतम, उस पर आते हैं।
कोशी एक सी एच वाई ए के सी ए यू सी डबल एच वाई कोशी कोची लिख देते हैं इसको कोची। एक साइंटिस्ट था उसने एक इक्वेशन दी थी इसने एक समीकरण किसके लिए रंगों के अपवर्तनांक के लिए इक्वेशन दी थी। इक्वेशन क्या है म्यू इज इक्वल टू म्यू अपवर्तनांक को लिख रहे हम इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर ए और बी कॉन्स्टेंट है वैसे अपना ज्यादा काम की नहीं है अपना इसे रिलेट करेंगे इक्वेशन ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर ए एंड बी आर अ कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्टली म्यू जो है बाय दिस इक्वेशन म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है अपवर्तनांक का मान किसके ऊपर निर्भर करता है अगर ये पूछ ले दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य से किस प्रकार संबंधित होता है तो अपवर्तनांक का मान तरंग दैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी म्यू का जो मान है लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसमें कि वैल्यू कैसे आती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है वो सब रंगों की अलग अलग होती है उसके लिए स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर स्पेक्ट्रम में बात आती है अलग अलग तरंगे जो होती हैं वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के अनुसार होती हैं। उसमें एक भाग आता है विजिबल वेव्स का विजिबल रेज का दृश्य तरंगे जिनको कहते हैं उन दृश्य तरंगों में ये सारी अलग अलग आ जाती है ठीक है उनके लिए इसकी रेड की तरंग दैर्ध्य अलग है ऑरेंज की अलग है सबकी अलग अलग है। तो यहां सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है लाल रंग की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो होती है बैंगनी रंग की ठीक है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य या आपको इनको ऐसे कैसे आप लिख लेंगे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके बहुत सिंपल सा टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो पूछी जाती है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है लाल रंग की होती है। अब ये पूछ लेते हैं कि सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है कारण दीजिए कारण दे दें क्या कारण देंगे कि विचलन का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं इसीलिए जिसका ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा उसकी विचलन उतना ही कम होगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है लाल रंग की होती है इसलिए लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो बैंगनी रंग की होती है इसलिए सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। यहां हमने विचलन लिया ना विचलन न्यूनतम अधिकतम यहाँ ये दो बात चार बात है। अब देखो कंफ्यूजन होने के कारण मिक्सअप भी हो जाता है उसका भी मैं आपको चाहिएगा बता दो कैसे याद कर सकते हैं इसको। अब देखो अपने पास विचलन के लिए एक इक्वेशन है जो हमने पिछली क्लास में डेराइव की थी न्यून कोण के प्रिज्म से विचलन जो होता है उसके लिए डेल्टा का मान निकाला था हमने वहां हमने डेल्टा का मान निकाला था म्यू माइनस वन इन टू ए ये निकाला था हमने डेल्टा का। ये दो इक्वेशन है एक ये है और एक ये। अब इनसे हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं वैसे वो है नहीं किताबों में और वैसा रिलेशन हमें मिलेगा भी नहीं केवल याद करने के लिए बनाते हैं हमेशा कि देखो डेल्टा के क्या है म्यू समानुपाती है म्यू के क्या है लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जिसके लिए लैम्डा ज्यादा होगा उसके लिए म्यू कम होगा जिसके लिए म्यू कम होगा उसके लिए डेल्टा कम होगा। तो इनको समझने के लिए ऐसे लिख देता हूं मैं एक बात कि डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। वैसे ये कोई रिलेशन नहीं है हमने इसको समझने के लिए लिखा है कहीं आपको इसका इसी क्वेश्चन के आंसर में इसको नहीं लिखना ये कोई बुक्स में है भी नहीं और ऐसा कोई रिलेशन होता भी नहीं है जैसे ये तो इसका अलग रिलेशन होगा इसका अलग रिलेशन है लेकिन हमने समझने के लिए कोरिलेट कर दिया भाई जब तरंग दैर्ध्य आपको पता चल गई तो वही बात अपवर्तनांक के लिए है वही बात विचलन के लिए ज्यादा घुमा के लाके आने की जरूरत नहीं है सीधा से ध्यान रख ले कि जिसके लिए तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसके लिए विचलन का मान कम होगा। 10 मिनट रुको जिसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक का मान कम होगा और उसके लिए विचलन भी कम होगा।
ठीक है। तो वैसे तो अपवर्तनांक किससे रिलेटेड है, तरंग देने से, और विचलन किससे रिलेटेड है, अपवर्तनांक से। तो पहले तरंग देने से हम अपवर्तनांक पे पहुंचेंगे, फिर अपवर्तनांक से विचलन पे पहुंचेंगे। तो सीधा सा ध्यान रख सकते हैं कि जिसके लिए लैम्डा ज्यादा है उसके लिए म्यू भी कम है, उसके लिए डेल्टा भी कम है। तो दो चीजें आ गई, अपवर्तनांक भी पता चल गया और विचलन भी पता चल गया। तो सबसे ज्यादा तरंग देरे जो होती है वो किसकी होती है, लाल रंग की। तरंग देरे ज्यादा होगी तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगा तो विचलन भी कम होगा। तो जिसकी तरंग देरे ज्यादा है उसका विचलन कम है, जिसकी तरंग देरे कम है उसका विचलन ज्यादा है। बाकी जो रंग रहेगा बीच के उनमें क्या होगा, उनमें इनकी बीच की वैल्यूज रहेंगी। तरंग देरे भी बाकी कलर की क्या रहती है, रेड और वायलेट के बीच की रहती है, इसी विचलन भी क्या रहेगा, बीच का रहेगा। क्रम अगर ध्यान रखना है तो क्रम आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि वायलेट का जो है वो सबसे ज्यादा विचलन है, रेड का जो है वो सबसे कम विचलन है। तो इस तरह से ये बातें आप लिख लें, इनको ध्यान रख सकते हैं कि डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी का मतलब डेल्टा फॉर डेविएशन, वी फॉर वायलेट, बैंगनी रंग का विचलन किससे ज्यादा होता है, रेड से ज्यादा होता है। यानी कि हमने न्यूनतम की स्थितियां ली है, पूरा लिखे हैं। तो अगर कहते हैं भाई सभी का ही क्रम से बताओ क्या होता है, तो सबसे ज्यादा होता है विचलन डेल्टा वी, फिर इससे विचलन होता है डेल्टा आई, इससे कम होगा डेल्टा बी, सॉरी डेल्टा बी, और इससे कम होगा डेल्टा जी, इससे कम होगा डेल्टा वाई, इससे कम होगा डेल्टा ओ, और इससे कम होगा डेल्टा आर। ये सारे सिंबल जो है वो किसके लिए है, कलर्स के लिए। तो इस तरह से ये चार जो बातें हैं, ये चारों बातें इसकी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप ये इक्वेशन ध्यान रख सकते हैं, लैम डेल्टा जो है वो म्यू के समानुपाती होता है, और ये दोनों ही किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, लैम्डा के। अगर आपको डेल्टा से रिलेट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा जो है वो लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और म्यू जो है वो भी क्या है, लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आपको अपवर्तनांक के लिए कहा जाए तो भी लैम्डा से ही रिलेट करके बता सकते हैं। अगर ये पूछे कि लाल की कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो जिसके लिए लैम्डा का मान सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और लैम्डा का मान सबसे कम किसके लिए होता है, वायलेट के लिए, इसीलिए इसके लिए अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। और विचलन भी, विचलन और म्यू एक जैसी कंसेप्ट है दोनों के, बात अलग अलग है, अपवर्तनांक अलग चीज है, विचलन अलग चीज है, विचलन का मतलब कितना बड़ा है। तो वो दोनों बातें किसे रिलेट कर सकते हैं, लैम्डा से। इसलिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसे ध्यान रख सकते हैं, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको आप लिख लें शॉर्ट में, शॉर्ट क्वेश्चन से कुछ ही जाते हैं। नेक्स्ट में हमें डेल्टा, डेल्टा वी की बातें दोबारा करेंगे, तो आप इसका ध्यान रखें, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में।